बिंदापुर वार्ड से पूर्व निगम प्रत्याशी रहे प्रदीप टंडन ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां, अपने सभी साथियों के साथ प्रदीप टंडन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हुए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संघर्ष को देखते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की उपस्थिति में प्रदीप टंडन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रदीप टंडन को कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदीप टंडन ने कहा कि मैं अपने बिंदापुर क्षेत्र से कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दूंगा। देखिए, प्रदीप जी एक जुझारू कार्यकर्ता हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको हम लगातार ग्राउंड पे काम करते देखते आए हैं। आज ही हमारे कांग्रेस का हिस्सा बने, हमें बड़ी खुशी है। ये कांग्रेस परिवार इनको जो जिम्मेदारी देगी, ये उसको बहुत बाखूबी निभाएंगे, क्योंकि ये एक, आपको पता है, क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होती हैं या प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए एक पांव पे खड़े रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पानी का जल भराव हुआ था, तो इन्होंने अपने जल भराव की समस्या में एकदम पानी में उतर करके, जिस समय लोग करंट के भावनाओं सोच रहे थे कि भी करंट फैल सकता है, सब हो सकता है, ये साइकिल के माध्यम से प्रदीप जी ने वहाँ पूरा सर्वे किया और लोगों को अवेयर किया कि किस प्रकार से बिंदापुर के हालात जो है वो बदल चुके हैं। अरे, कांग्रेस तो एक पुरानी पार्टी है और आज नहीं, देश जब आज़ाद हुआ था तब से साथ में है। आज अनिल चौधरी जी की जो सोच है और जो एक जुझारूपन है, वो मुझे कांग्रेस में लेकर आया है। अब इस परिवार के साथ जुड़ के धीरे धीरे इनसे सीखेंगे और आगे काम करेंगे। ज़रूर ज़रूर, सबसे पहले तो बिंदापुर के जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं, उनके साथ हम 1-to-1 मीटिंग करेंगे और उन सबको साथ जोड़कर अपने क्षेत्र में कोशिश ये रहेगी कि हम जितना भी कांग्रेस को मजबूत कर सकें करेंगे। प्रदीप टंडन जी हमारे क्षेत्र के बिंदापुर DDA फ्लैट में एक्स सर्विस मैन, एक पार्षद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे समाज में इतनी समाज सेवाएँ करते हैं, जितनी भी सराहना की जाए बहुत कम है। तो टंडन जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे भविष्य में और हम ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस भी इनको पूरा पूरा सहयोग दे।